आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HLFT-42 के बारे में। दोस्तों, HLFT-42 को लेकर के अभी हाल ही की वीडियो में हमने आपको बताया कि ये एयरक्राफ्ट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इनके चार अलग अलग वेरियंट्स पर काम कर रही है और हमने इससे जुड़ी जो इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुँचाई। लेकिन इसी बीच हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारियों के द्वारा मीडिया से बात करने पर कुछ नई इन्फॉर्मेशन सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि HLFT-42 के लिए एक नए हाई थ्रस्ट इंजन की तलाश की जा रही है। हालांकि इनिशियल जो वेरिएंट्स आएंगे वो F414 इंजन की सहायता से पावर किए जाएंगे, लेकिन HAL के अधिकारियों का ये कहना है कि जब प्रोडक्शन वेरिएंट तैयार होगा और ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करेंगे तो उस समय ये एक अधिक पावरफुल इंजन के साथ हमें देखने को मिलेंगे। इस समय HAL के अधिकारियों का ये कहना है कि ये एयरक्राफ्ट तकरीबन 16.5 टन वजनी होने वाला है, जिसके लिए 98 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास के जो F414 इंजन है वो इतने सफिशियंट थ्रस्ट को जनरेट नहीं कर सकेंगे और इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लगातार जो नए इंजन है उनकी तलाश कर रही है और माना जा रहा है कि जो नए इंजन हैं ये प्रोडक्शन मॉडल में हमें देखने को मिल जाएंगे। दरअसल ये इंजन तकरीबन 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास के होंगे, जो कि HLFT-42 को पावर करने के लिए पर्याप्त होंगे और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को पूरा भरोसा है कि चारों जो वेरिएंट्स हैं वो सेम इंजन के साथ पावर किए जाएंगे। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, क्योंकि HLFT-42 की अगर हम बात करें ये है कि एयरो इंडिया 2023 में हमें HLFT-42 को लेकर के जितने भी इन्फॉर्मेशन देखने को मिली वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव थी, जहां पर हमें ये पता चला कि ये भारत का एक नेक्स्ट जनरेशन लीडिंग फाइटर ट्रेनर होने वाला है, जो कि ना सिर्फ ट्रेनर एयरक्राफ्ट की भूमिका निभाएगा बल्कि ज़रूरत पड़ने पर एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तौर पर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन जब से ये सामने आया उसके बाद से वर्ल्ड डिफेंस कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा डिस्कशन शुरू हुआ और क्यों इस प्रोजेक्ट को गेम चेंजर कहा जाने लगा, आइए ये भी समझते हैं। दरअसल ये जो एयरक्राफ्ट है ये भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट्स की जो स्किल है उसको इम्प्रूव करने के लिए तो सहायता करेगा ही करेगा, साथ ही साथ उन्हें 4.5 और 5th जनरेशन के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं इंडियन एयरफोर्स में आने वाले उनके लिए ट्रेन भी करेगा। इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है तो ये एक डेडिकेटेड ट्रेनर एयरक्राफ्ट ही, लेकिन इसमें बहुत सारे जो वर्चुअल ट्रेनिंग मोड्स हैं वो देखने को मिलेंगे, जो कि इंडियन एयरफोर्स के किसी भी फाइटर जेट को सिमुलेट करने की कैपेबिलिटी के साथ में आएंगे, जैसे कि मिराज 2000, डसाल्ट राफेल, तेजस मार्क 2, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। तो ये एयरक्राफ्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इंडियन एयरफोर्स के या भारत के टॉप एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट ग्रुप कैप्टन हर्षवर्धन ठाकुर सर की बात माने तो उन्होंने बात करते हुए हमसे ये बताया कि इस प्रकार के जो फाइटर जेट हैं या इस प्रकार के जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि तेजस मार्क 2, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर या फ्यूचर में अगर हम ऑर्का की बात करें तो इन सब में हमें कोई भी ट्रेनर वेरिएंट देखने को नहीं मिलेगा। ये सारे एयरक्राफ्ट सिंगल सीट कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेंगे, जिसका मतलब ये है कि इन एडवांस फाइटर जेट्स में ट्रेन करने के लिए पायलट्स को हमें एडवांस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी और ये ज़रूरतें पूरी होंगी हमारे HLFT-42 से, जिसको इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि ये हर फाइटर एयरक्राफ्ट को सिमुलेट करने की कैपेबिलिटी के साथ में आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि HLFT-42 में जो फाइटर पायलट्स होंगे वो सिमिलर उसी कॉकपिट का अनुभव करेंगे जो कि उन्हें तेजस मार्क 2, एमका और TDVF में देखने को मिलेगा, और इसीलिए इसे लीडिंग फाइटर ट्रेनर का नाम भी दिया गया है, क्योंकि ये सारे फाइटर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को लीड करेगा और इंडियन एयरफोर्स के जितने भी पायलट्स हैं वर्ष 2030 तक उन सभी को इसी से ट्रेन किया जाना शुरू किया जाएगा। और उन्होंने ये कहा कि वो आज तक भारत का बनाया हुआ सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट भी होने वाला है। अब यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ और भी कही कि आप यहाँ पर मारुत का रिवाइवल भी देखेंगे। दरअसल ऐसा क्यों कहा गया है, आइए हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर हम HLFT-42 को डिस्कस करें तो हम ये देखेंगे कि इसमें जो डिज़ाइन फीचर है वो आपको काफ़ी हद तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए बनाए गए पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट यानी HF-24 मारुत से काफ़ी सिमिलरिटीज़ को शेयर करते दिखाई पड़ते हैं, और यही कारण है कि जब इस एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था तो हमें इसके टेल पे लॉर्ड हनुमान यानी प्रभु हनुमान की फ़ोटो देखने को मिली थी, और इसीलिए HLFT-42 को मारुति नंदन यानी सन ऑफ मारुत के नाम से भी पुकारा जाने लगा था, जिसका मतलब ये है कि गॉड ऑफ स्टॉर्म। तो HLFT-42 काफ़ी सारे फीचर्स को मारुत से शेयर करता है डिज़ाइन के मामले में, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरीके से HLFT-42 में सिर्फ मारुत के डिज़ाइन को ही अडॉप्ट किया गया है। दरअसल अगर आप इसके फ्रंट सेक्शन को देखेंगे तो यहाँ पर आपको तेजस की भी झलक देखने को मिलेगी, जो एयर इनटेक्स हैं वो काफ़ी हद तक तेजस के साथ सिमिलरिटीज़ को रखते हैं। वहीं इसमें ऑल मेटल बॉडी का इस्तेमाल होता दिखाई पड़ेगा ताकि इसकी कॉस्ट को भी रिड्यूस किया जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि तेजस में हाई कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसके चलते उनकी
कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हुई है, और क्योंकि अब इस एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट के पर्पज़ से भी बनाया जा रहा है, तो इसमें जो ऑल मेटल बॉडी है वो इसकी कॉस्ट को कम करने में काफ़ी ज़्यादा सहायक साबित होगी। अब अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो जो HLFT-42 है यानी मारुति 2.0 है, इसकी जो ओवरऑल लेंथ होने वाली है वो 16 मीटर की होने वाली है। इसका जो विंग स्पैन होगा वो 9 मीटर्स का होगा। इसकी जो हाइट होगी वो 4.6 मीटर्स की होने वाली है। और अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो ये तेजस मार्क 1 और मार्क 1 ए से भी बड़ा होने वाला है। इवन अगर हम इसको कंपेयर करें तेजस मार्क 2 से, ये उससे भी बड़ा थोड़ा होने वाला है, लेकिन हाइट के मामले में ये उससे थोड़ा छोटा रह सकता है। अब आइए बात कर लेते हैं HLFT-42 के पेलोड और परफॉर्मेंस के बारे में। तो ये जो एयरक्राफ्ट है ये एक सुपरसोनिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट होने वाला है, जो कि पायलट्स को फिजिकल फील देगा एक सुपरसोनिक फाइटर की। वहीं इसमें कई वर्चुअल मोड हैं जो कि अलग अलग डिस्प्ले, वेपन डिलीवरी या दूसरी चीज़ों को सिमुलेट करने में सक्षम होंगे। इसकी जो इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगी वो 3,500 किलोग्राम की देखने को मिलेगी। वहीं इसका जो मैक्सिमम ऑल ऑफ वेट है वो 16,500 किलोग्राम का होगा। और अगर आप इसके वेपन कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो HLFT-42 की जो वेपन कैरिंग कैपेसिटी है वो माइंड ब्लोइंग होने वाली है, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट में आपको 11 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जहां पर ये 10 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम होगा। और इसके अलावा 2 क्लोज कॉम्बैट जो मिसाइल्स हैं और एक जो बॉम्ब है वो भी कैरी कर सकेगा अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में। और सबसे खास बात यहां पर ये है कि इसकी जो पेलोड कैपेसिटी होने वाली है वो 4,500 किलोग्राम की होने वाली है। और अब आप समझ सकते हैं कि क्यों इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स इसको लेकर के इतने ज़्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि ये अपने साथ मैसिव पेलोड को कैरी करने में सक्षम है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 11 हार्ड पॉइंट्स आम बात नहीं होती हैं, और 10 BVR मिसाइल्स को कैरी करने का मतलब ये है कि अपने आप में ये एक उन्नत मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर सकेगा। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें और एवियोनिक्स की बात करें, तो ये जो एक नेक्स्ट जनरेशन सुपरसोनिक ट्रेनर होने वाला है, ये मॉडर्न कॉम्बैट ट्रेनिंग में एक अहम भूमिका निभाएगा, और इसके लिए इसको स्टेट ऑफ द आर्ट जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनसे इक्विप किया जाएगा। जैसे कि इसमें आपको एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार, जिसको हम ईसा रेडार कहते हैं, वो देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम देखने को मिलेगा। पहले ये माना जा रहा था कि इसमें जो फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम है वो नहीं रहेंगे, लेकिन अब जो रिसेंट रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट को फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम से भी इक्विप किया जाएगा, यानी कि ये एयरक्राफ्ट सर्वगुण संपन्न होगा। इसका इस्तेमाल ट्रेनर के तौर पर भी किया जा सकेगा, वहीं किसी विषम परिस्थिति में पड़ने पर इसका इस्तेमाल एक उन्नत फाइटर जेट के तौर पर भी किया जा सकेगा। अगर हम इसके कुछ साइलेंट फीचर्स की बात करें तो इसकी जो हाई काइनेटिक परफॉर्मेंस है और ट्रांसोनिक एक्सेलरेशन है वो काफ़ी इम्प्रेसिव होने वाले हैं, और ये मल्टीपल कॉम्बैट मिशन को एक सिंगल शॉटी में ही कंप्लीट करने में सक्षम होगा। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि इसमें आपको इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब भी देखने को मिलेगा, जिसकी सहायता से ये मिड एयर रिफ्यूलिंग करने में भी सक्षम होगा। और इसमें बहुत सारे जो इंडिजिनस सिस्टम और कंपोनेंट्स हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे, जैसे कि डिस्प्ले सिस्टम हो गए, फ्लाइट कंट्रोल्स हो गए, लेकिन इंजन अभी भी इसके लिए इंपोर्ट ही किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास इंजन का कोई भी ऑप्शन अभी इंडिया में मौजूद नहीं है। शुरुआत में ये माना जा रहा था कि इसको जो कावेरी इंजन है उससे पावर किया जाएगा, लेकिन क्योंकि ये तकरीबन 17.5 से 17 टन के बीच में एयरक्राफ्ट होने वाला है, जिसका मतलब ये है कि कावेरी इंजन इसके लिए सफिशेंट नहीं है, और माना जा रहा है कि इसको भी जनरल इलेक्ट्रिक F414 से ही इक्विप किया जाएगा। अब क्योंकि F414 इक्विप किया जा रहा है, तो अब आप समझ सकते हैं कि ये एयरक्राफ्ट कितना बड़ा होने वाला है। निसंदेह ये तेजस से ज्यादा कैपेबल भी होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।